गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू लेसन बाय एनिमी फॉर क्लास 12 एंड इट इज द पार्ट by Paul S. Buck. The main characters of the story are Dr. Sadaf, an American prisoner, and so up till now I told you that कि डॉक्टर सदाब ने मेरी प्रिजनर का ऑपरेशन कर दिया एंड ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक अमेरिकन प्रिजनर सर्वेंट्स क्या डॉक्टर सदाब और हाँ भी अमेरिकन प्रिजनर को पसंद नहीं कर रहे थे क्यों क्योंकि वो अमेरिकन था और डॉक्टर सदाब और ये सभी जैपनीज जैपनीज के लिए सारे अमेरिकन लोग एनिमीज थे तो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेशन तो कामयाब हो गया लेकिन अब जितने भी सर्वेंट्स हैं वो बार बार डिस्कस कर रहे हैं किसी भी तरीके से इसको अमेरिकन प्रिजनर को पुलिस के हवाले किया जाए So what happened next? They did not try to hide what they said from the ears of Anna as she stood arranging the day's flowers in the veranda near by and she knew they spoke on purpose that she might hear. अब वरंडा में वरंडा में पास में ही जो हाना थी वो फ्लावर्स अरेंज कर रही थी और जो सर्वेंट थे वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसको अमेरिकन प्रिजनर को पसंद नहीं कर रहे तो इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और डॉक्टर सदाब को उसकी कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए और इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को मैसेज देना चाहता है आपस में बात करके किसी और को मैसेज देना चाहता है तो वैसे ही ये सर्वेंट्स बात कर रहे थे और हाना भी ये मैसेज दे रहे थे कि अमेरिकन प्रिजनर को यहाँ से निकाल रहे हैं That they were right, she knew too in most of her being. But there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. और ये जितनी भी बातें कर रहे थे उनको सही बातें थी सर्वेंट्स की बातें कर रहे थे सही बातें थी हाना इस बात को जानती थी ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं सर्वेंट्स वो तो सही कह रहे हैं कि हमें इस अमेरिकन प्रिजनर को घर में नहीं रखना चाहिए और ये कोई ऐसी बात नहीं है छोटी मोटी बात हो एक देशद्रोह वाली बात थी और ये सारी बातें वो समझ रही थी लेकिन और ऐसा भी नहीं कि वो मेंटली या सेंटिमेंटली डॉक्टर सदाब और हाना उसको पसंद कर रहे थे वो तो एक प्रिजनर था वो जानते थे हाना भी जानती थी सर्वेंट्स भी जानते थे कि वो प्रिजनर है कैदी है और इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर शी हैड नॉट लाइक्ड इवन him even yesterday when he had said in his impulsive way she had come to think of him as a prisoner उसे पता था वो खुद जानती थी और उसको क्या समझती थी सिर्फ एक prisoner और कुछ नहीं मानती थी कहने का मतलब है कि हाना बिल्कुल भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रही थी anyway let me tell you that my name is Tom She had only bought her little distance bow. और किसी भी तरीके से उसको नफरत थी हर तरीके से नफरत थी जब उसने ये भी बताया कि मेरा नाम टॉम है अमेरिकन प्रिजनर का नाम थी और इस कैरेक्टर का नाम क्या है टॉम तो बस उसने एक सुनकर हल्की सी रिप्लाई में कोई रिप्लाई नहीं दिया बस गर्दन हिला के कोई हाँ थी She saw hurt in his eyes. But she did not wish to assuage it.
उसके जब ऐसा फील हो जाए, हम कभी किसी से इस तरीके से बात करते हैं और सामने वाला हमें जवाब नहीं दे रहा है तो हमें हर्ट फील होता है। ऐसे टॉम ने जब अपना नाम बताया अमेरिकन प्रिजनर ने कि मेरा नाम टॉम है, तो उसने कोई जवाब ना देकर बस ऐसे गर्दन हिला दी, ऐसे समझ गया वो कि हाँ भाई इनके अंदर अभी तक नफरत भरी हुई है। लेकिन और उसी बात को देखकर समझकर टॉम के मन में थोड़ी खटास हुई तो, लेकिन उसने हाना ने बिल्कुल भी उसको अमेरिकन प्रिजनर को तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। देखा जाए तो पूरी तरह से ये जो व्यक्ति है अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाव के घर में एक ट्रबल है, एक परेशानी है। सीधी सी बात ये है, एस फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन द वूंड केयरफुली, द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। अब रोजाना हर दिन डॉक्टर सदाव उसको एग्जामिन करते थे, बड़ी सावधानी से केयरफुली एग्जाम करते थे। उसकी जो लास्ट स्टिचेस थी, जो टांके थे, वो भी निकाल दिए गए थे। और यहाँ पर डॉक्टर सदाव को पता था कि ये यंग मैन लगभग 14 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर ऑन द 21st डे ऑफ द फरवरी एन एस्केप प्रिजनर वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। डॉक्टर सदाव के मन में क्या आया कि उसने गया और उसने अपने ऑफिस में से एक पेपर निकाला और उस पेपर पर लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। लेटर भी किसको? पुलिस चीफ को। और उसमें ये रिपोर्ट करने के लिए लिखा कि 21st फरवरी को एक एस्केप प्रिजनर जो रहते हुए किनारे पर आ गया मेरे घर के ठीक सामने। सो फार ही टाइप देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और जितना उसको टाइप करना था उतना टाइप पूरी तरीके से नहीं किया, जितना टाइप कर पाया उसने वो टाइप किया और फिर से उसको ड्रॉअर में वापस, डेस्क के ड्रॉअर में वापस रख दिया। ये एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट थी। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट अप टिल नाउ वी कैन सी दैट द अमेरिकन प्रिजनर इज अ ग्रेट ट्रबल इन द हाउस ऑफ द डॉक्टर सदाव। द सर्वेंट्स आर नॉट लाइकिंग, दे आर ऑल्सो थिंकिंग दैट वी मे बी गेट इन द ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट अमेरिकन प्रिजनर एंड ही इज द एनिमी ऑफ अवर कंट्री एंड वी आर नॉट डूइंग दिस गुड डीड। डॉक्टर सदाव एंड हाना दे बोथ वर देयर मास्टर एंड दे मास्टर देयर न्यू दे वर अंडरस्टैंडिंग दैट अवर मास्टर्स आर नॉट डूइंग गुड थिंग दैट दे आर गिविंग अ स्टे टू द अमेरिकन प्रिजनर। तो इस तरह से उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। लेकिन देन ऑल्सो डॉक्टर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन द बॉडी द वूंड ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर, एवरी डे ही गेव हिम अ ट्रीटमेंट एंड ही मेड हिम अ हेल्थी पर्सन। ऑन द सेवन डे आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपेंड इन द मॉर्निंग, द सर्वेंट्स स्लेप्ट टुगेदर, देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स। अब सातवां दिन था, सातवें दिन ये हुआ कि सुबह सुबह सर्वेंट्स ने अपने अपने सारे सामान पैक कर लिए, सामान पैक करके बांध लिया, कहने का मतलब है वो वहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब हाना सुबह उठी तो उसने देखा ये सारा काम कर चुके थे, वो अपनी पैकिंग कंप्लीट कर चुके थे। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, और घर में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जब मॉर्निंग में हाना उठी उसने देखा द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड एंड शी न्यू व्हाट इट मींस। ना तो उसको साफ किया गया और ना ही खाना बनाया गया, और सब समझ चुकी थी कि कई दिन से ये आपस में बातचीत भी कर रहे हैं दैट दे शुड नॉट गिव द स्टे टू दैट पर्सन, और इसीलिए इन्होंने आज काम नहीं किया है। हाना ये सारी बातें अच्छे से समझ गई और उनका क्या मतलब है इस समय, वो चाहते क्या है, क्या चाहती कि अमेरिकन प्रिजनर को पुलिस के हवाले किया जाए क्योंकि हम भी ट्रबल में पड़ सकते हैं। सॉरी, शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। वो भी टेंशन में थी, दुखी थी, परेशान थी, घबरा रही थी
कि ये बात जो है वो सब कुछ गलत है. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट. इंस्टेड शी इंक्लाइंड द हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन. अब वो ये सारी बातें समझती थी और यहाँ तक कि ये भी था कि उसके अंदर जो एक मालिक होने का, मालकिन होने का गर्व था, वो भी शो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि हमारे घर में जो भी काम हो रहा है वो गलत हो रहा है. एंड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट. और वो शॉक भी नहीं करना चाहती थी उनके सामने. शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन. और जब वो किचन में सारे सर्वेंट्स प्रेजेंट हुए, खाना के ठीक सामने आए, तो उसने अपना सिर एक शान के साथ झुका लिया. क्यों? क्योंकि वो खुद भी जानती थी हमारे घर में सब कुछ गलत हो रहा है. एंड शी पेड देम ऑफ. उनकी जो पेमेंट बन रही थी उसने पेमेंट कर दिया. एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर. और जो कुछ भी उन्होंने आना और उसकी फैमिली के लिए किया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया. दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई. सारे सर्वेंट्स रो रहे थे लेकिन हाना नहीं रो. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्वड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. जो कुक था घर का, जो गार्डनर था, उन्होंने सदाओ की सेवा शुरू से ही की जब सदाओ छोटा बच्चा था, तो उसके फादर के घर में शुरू से ही नौकरी की. और इतना पुराना जब नौकर हो जाता है तो वो घर से पूरी तरह से जुड़ जाता है और वो नहीं चाहता कि मैं इस घर से अलग हूँ. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. यूमी भी बच्चों को खिलाती पिलाती रहती थी, बच्चों के साथ रहती थी, तो यूमी रोने लगी. यूमी क्यों रोने लगी? बच्चों की वजह से. बच्चों की याद आएगी उसे. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हानी. वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई, इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि जब वो जा रही थी तो भाग कर हाना के पास वापस आई. इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. और फिर यूमी कहती है कि अगर बच्चा कोई रोता है तो तुम मुझे बुला लेना. आई एम गोइंग टू माई हाउस माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज. मैं अपने ही घर जा रही हूँ और आप जानती हो कि मेरा घर कहाँ पर है. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट ऑल द सर्वेंट्स आर अगेंस्ट दैट अमेरिकन प्रिजनर. दे डिड नॉट वॉन्ट दैट डॉक्टर सदाओ एंड हाना शुड गिव देम स्टे. सो दे वॉन्टेड टू दैट ही शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द होम एंड दैट इज वाई दे मेड दे फाइनली मेड अप ओपिनियन दैट दे आर लिविंग देयर जॉब्स. So they want to depart from that house and they have tagged their belongings and after that they were started to go away from that house. Thank you, Hana said smiling, but she told herself she would not send for Yumi however the baby cried. तो हाना ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया कि धन्यवाद किया यूमी को. बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी. लेकिन अपने ही आप में मन ही मन में हाना ने विचार किया कि मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी जबकि बच्चा रो या ना. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रेन. उन सबके जाने के बाद अब घर का माहौल जो बदल गया, खुद खाना को ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा और बच्चों के लिए जो हेल्प करनी थी वो डॉक्टर सदाओ ने की क्योंकि सर्वेंट्स घर पर नहीं है. नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. दोनों ने, डॉक्टर सदाओ ने और खाना ने, आपस में किसी भी सर्वेंट के बारे में बातचीत तक नहीं की जब से वो चले गए. बट आफ्टर खाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रेजिडेंट शी केम बैक टू सदाओ. लेकिन जब खाना मॉर्निंग फूड लेकर आई तो शी केम बैक टू सदाओ. बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर के लिए जब वो सुबह का भोजन लेकर गई प्रिजनर के पास, शी केम बैक टू सदाओ. फिर वो सदाओ के पास वापस आई. व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी वांट टू डू. और पूछती है कि ऐसा क्या है कि हमें जो करना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है.
इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारे सर्वेंट्स को अच्छा दिखाई दिया है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम दूसरे जैपनीज से अलग क्यों हैं। स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट इन दिस वर्ल्ड आवर फीलिंग्स मेक्स डिफरेंट अस फ्रॉम द अदर पीपल, जो हमारी भावनाएँ होती हैं, जो अंदरूनी भावनाएँ होती हैं, उन्हीं की वजह से हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमें दूसरे लोगों से अलग बना देती हैं। इसी वजह से यहाँ पर वो अपने मन में ये सवाल करती है और डॉक्टर सदाव से पूछ लेती है कि ऐसा क्या है कि जो सर्वेंट्स कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, हमने हमारे प्रिजनर को अपने घर रखा है, ये ठीक नहीं किया है, इट इज़ नॉट गुड। देन ऑल्सो वी आर मेकिंग हिम स्टे इन अवर होम, ये अच्छा नहीं है, ये देश का दुश्मन है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, हम मरते हुए उसको जिंदा किया, तो ये सब क्या है। हाना वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई वी आर डूइंग सच थिंग्स दैट वी आर सेविंग अ पर्सन हु इज़ अवर एनिमी। तो इस तरह के ख्यालों में क्या होता है कि हमारी भावनाओं की वजह से हम अलग नजर आते हैं। सो स्टूडेंट्स अप टिल नाउ इन वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट डॉक्टर सराव हैज सेव्ड अमेरिकन प्रिजनर एंड सर्वेंट्स एज वेल एज हाना एज वेल एज डॉक्टर सराव, दे आर नॉट लाइक अमेरिकन प्रिजनर, then also they gave them him stay in their home. In the next lecture I will explain you what happened in the next. Till then thank you and goodbye.